हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन और पाए हर वीडियो को देखने का मौका सबसे पहले। जी, क्या श्राद्ध पिंडोदक क्रिया करनी चाहिए? प्रमाण सहित बताइए। अब आपको थोड़ा सा मार्कंडेय पुराण से ये प्रकरण रूबरू करते हैं, जिसमें रुचि ऋषि और उसके पूर्वजों का जो भूत बनकर धक्के खा रहे हैं और अपने पुत्र को भी उसी विवश कर रहे हैं कि तू भी बन भूत गलत साधना करके। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी संक्षिप्त, गीता प्रेस के रूप से प्रकाशित है। और ये कहां से छपा है, अब इसके हम आपको ले चलते हैं 242-43 पे। ये देखिएगा 242 पृष्ठ पे मार्कंडेय पुराण संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्चे मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ति में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा ये देखो, ये भूत दिख गए इसने, ये देखो ये भूत दिखाई देंगे चारों, ये पिताजी दादाजी और फिर दादा का पिताजी दादा का परदादाजी, ये चारों भूत बन रहे ऋषि जी। अब ये क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं देखिएगा। पितर बोले, बेटा विहा स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं पितरों ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, श्रद्धा के शब्द से पितरों को तथा अनदान बलि वैष्णदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार ना करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। अब रुचि ऋषि कहता, पितृगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है और तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। अब हम ज्यादा ना पढ़ के आपको अपने काम की बात पढ़ावेंगे। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है। तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। रुचि ने पूछा, पितामह वेद में कर्म मार्ग को, किसको? जो इसने भी बताया था कि इन्होंने बताया था इन पितरों ने कि गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं पितरों ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को श्रद्धा के शब्द से पितरों को अन्नदान बलि वैष्णदेव आदि से भूत और आदि प्राणियों एवं अतिथियों का उनको भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार ना करके तुमने जीवन में क्लेश पे क्लेश भोगने पड़ेंगे। भावार्थ है कि जो तुम ये श्राद्ध श्रुद्ध ना निकालता, ये निकाल है। अच्छा, यू क्या कह रहा है फिर? ये कह रहे हैं कि जो तू लग रहा है ना, यू तो है मोक्ष मार्ग। अब इसके पूर्वज कह रहे हैं कि जो
तू लग रहा है वो मोक्ष मार्ग है और हम बताओ वो नरक मार्ग में आ जा, तू मोक्ष मार्ग न छोड़ दे। ये देवता कह रहे पितर। देखो पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। अरे हम बतावेंगे कौन सा मार्ग है। अरुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, भूतों की पूजा करना, तेरहवीं करना, ये सारा कर्म मार्ग है, कर्म कांड है। वेद में कर्म मार्ग को अविद्या मूर्खों का मार्ग कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग पर लगाते हैं। पितृ बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनक भी मिथ्या नहीं, फिर क्या रह गया। अब इनकी अकल देखो, इनकी चोर ले गए इनकी अकल को, इन पितरों की, श्राद्ध निकलवाने वालों की। अब वो लड़का ठीक हाथ ना कर रहा था अपनी वेदों के आधार से, और ये भी मानते हैं कि तू आप जो साधना करे तो मोक्ष मार्ग है। और यू क्या मारा ले मार जा, तू कुएं में गिर पितृ बने। और ये कह रहा है कि रुचि कह रहा है कि ये तो जो वेद में इसको मूर्खों की पूजा बताया है, अविद्या क्या है, और खुद भी मानते हैं ये बात तो सही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर टट्टू रह गया, थोड़ा शर रह गया, क्या रह गया जो वेद में रिजेक्ट कर दिया कि साधना नहीं करनी चाहिए, पितृ पूजा भूत पूजा। अब कहने का भाव यह है कि इन्होंने इस रुचि को डरा धमका के अटबट सुना के, अब जिसके पहले वाले चार दादे पड़दादे पिताजी दिखाई दे जा, ये तो खैर बुद्धिमान व्यक्ति था, थोड़ा बहुत इसने तो अपना तर्क दे भी दिया, और आपको कोई चार दादे दिख जाए तो जब्बा समर्पण कर दो, बोलो जी के को हो गई कर दूंगा। तो हमने इन दादों के चक्कर में पाना नहीं। श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा कि जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो पितरों की पूजा करते पितरों को प्राप्त होंगे, पितर बन जाएंगे, और भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, वह भूतों वाले ग्रुप में चले जाएंगे भूत बनकर। और गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति करोगे मुझे प्राप्त होगे। देखिएगा ये श्रीमद भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 को आपके रूबरू करते हैं। यह है अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवत गीता और 25वां श्लोक। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, पितरों को प्राप्त होंगे पितरा बन के जाएंगे, और भूतों को प्राप्त होने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मेरा पूजने वाले मुझको प्राप्त होता है। अब वो इस पवित्र पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ने भी स्पष्ट कर दिया, भूत पूजोगे तो भूत बनोगे, पितर पूजोगे पितर बन जाओगे, और देवताओं की पूजा करोगे देवताओं के लोक में जाकर उनके अनुचर बनोगे। और गीता ज्ञानदाता कहता मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त होगे, अंडरस्टूड है। अब सूक्ष्म वेद में कहा है कि राम रमे सो राम है, देव रमे सो देव, और भूत रमे सो भूत बने, समझ देख सुर।